सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल को, बेल आइकन को जरूर से क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक झटपट पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से कितने भी ज़्यादा लहसुन हो आप बहुत इजीली और बहुत आराम से आप इसको पील ऑफ कर सकती हैं, यानी छील सकती हैं। फ्रेंड्स, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, या हम कहें तो हलवाई भी ये ट्रिक अपनाते हैं, इस तरह से लहसुन छीन के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खाने में वो डालते हैं। तो उनकी ट्रिक यही है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो से बहुत आराम से ही, बहुत ज़्यादा भी लहसुन हो तो वो आपके लिए सरदर्द नहीं होगा, क्योंकि लहसुन छीलना बहुत सरदर्द होता है। सिंपली हमको क्या करना है, सबसे पहले लहसुन को इस तरह से हाथ से दबा दबा करके इसको तोड़ लेना है। ऐसे देखिए, किचन रैक पर ही आप इस तरह से पुश करें तो ये आराम से अलग हो जाएंगे इनके एक एक पीस। इस तरह से हमें अलग कर लेना है ऐसे। ये अलग हो गए हैं इस तरह से, और इनके जो छिलके हैं वो अलग हो गए हैं। इस तरह से हाथ से दबा करके आप इनको अलग अलग कर लें, इनकी गांठें अलग अलग कर लें। इस तरह से अलग अलग पीसेस हमें चाहिए। तो इस तरह से हम सारे लहसुन को अलग अलग तोड़ लेंगे। इस तरह से सारे गांठों को निकाल दें बाहर, और इस तरह से हमने सब लहसुन को तोड़ लिया है। अब चावल जैसे फटकते हैं उस तरह से हम इसको फटक करके इनके ऊपर के जो छिलके हैं उसको मैंने निकाल दिए हैं। इस तरह से फटक करके आप भी इस तरह से झाड़ लें इसको, सारे छिलके ये निकल जाएंगे और इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे। इस तरह से मैंने गर्म पानी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं करना है और हल्का भी नहीं रखना है, मीडियम पानी रहे। और उसमें मैंने इन लहसुन की कलियों को डाल दिया है। इस तरह से आप डाल दें और एक मिनट के लिए इनको इसी तरह से छोड़ दें। हम इसी तरह से बर्तन में एक मिनट के लिए इन्हें छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, एक मिनट हो चुके हैं, गैस फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, और देखिए कि सारे छिलके जो है अपने से पील ऑफ हो गए हैं अंदर पानी में ही। अभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, इस तरह से सारे छिलके निकल आए हैं। अब गैस फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये गर्म है और हमें हाथ डालना है इसमें, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि हाथ डालने में आराम हो जाए, हाथ जले ना। इस तरह से हम हाथ से इसको अब मसलेंगे। मसलते ही सारे छिलके जो अपने आप देखिए बाहर होने लगे हैं, हल्का सा पुश करने से ही सारे छिलके बाहर हो जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से सारे छिलके निकल गए हैं। अब हम इसको अलग अलग जो छिले हुए दाने हैं, इसके कलियां हैं लहसुन के, उसको हम अलग अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से, इस तरह से आपको बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए जितने भी लहसुन आपको चाहिए होंगे आराम से पील ऑफ हो जाएंगे। चाहे कितने भी लोगों का आपको खाना बनाना हो या लहसुन छिलना हो, बहुत इजी हो जाएगा इस ट्रिक से आपके लिए। फ्रेंड्स, देखिए सारी लहसुन की कलियां जो हैं वो अलग हो चुकी हैं अपने आप ही। हल्का सा बस इसको मसलिए और ये आराम से पील ऑफ हो जा रही हैं। इस तरह से मैंने इनको अलग कर लिया है, सारी की सारी कलियों को। और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा इसमें झंझट अब नहीं लगेगा लहसुन छीलने में। बहुत सारे लोगों का खाना बनाना हो या आपको घर पे ही थोड़ा ही लहसुन छीलना हो, अगर लहसुन छीलना झंझट लगता है आपको तो इस यूज़फुल ट्रिक को ज़रूर यूज़ करिए। बड़े बड़े होटलों में भी यही ट्रिक यूज़ होती है झटपट खाना बनाने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही ये वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।